राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल लता प्राइम ब्लॉग पे आप सभी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का स्वागत है। फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरे न्यू ब्लॉग में। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम में, शाम के 4 बज चुके हैं। मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। फ्रेंड्स, तो किचन में मैं बना रही हूँ आज नारियल पाक, क्योंकि कल हमारे कन्हैया जी का बर्थडे है, तो उसी बर्थडे की तैयारी में मैं लगी हूँ आज ही। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ नारियल पाक, तो नारियल पाक एक दिन पहले ही बना के रख देती हूँ मैं। और क्योंकि फ्रेंड्स हमारे कान्हा जी का बर्थडे है, तो उनके प्रसाद के लिए मैं नारियल पाक, माखन, जीरी वगैरह ये सब बनाती हूँ मैं। तो मैं अभी तो फिलहाल मैं बना रही हूँ नारियल पाक, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में मैं शेयर करूँ। गले में दिक्कत होने के बावजूद भी फ्रेंड्स मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, वो किसके लिए, आप लोगों के लिए। प्लीज वीडियो एंड तक जरूर देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जाते जाते कमेंट जरूर करना प्यारा सा कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप कमेंट करेंगे कि बताएंगे मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो शुरू करें। देखिए, नारियल पाक बनाने के लिए मैंने ले लिया है, सारा सामान भी ले लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 बड़े साइज के नारियल ले लिए हैं साबुत वाले, है ना। अब इनको मैं कद्दूकस करूँगी, तो कद्दूकस करने के लिए भी मैंने कद्दूकस ये ले लिया है ग्रेटर, है ना। और मैंने ले लिए ड्राई फ्रूट्स में लिया है काजू लिया है, और ये लिया है मैंने बादाम लिए हैं, और इसमें खुशबू के लिए मैंने लिए इलायची लिए, इलायची यानी पाउडर बना के मैं डाल दूंगी तो अच्छे बनेगा, खुशबू भी आएगी इसमें। और मैंने इधर ले लिए हैं 250 ग्राम चीनी ले लिए फ्रेंड्स, और इसकी मैंने चाशनी बनानी है। तब तक हम कोकोनट को कद्दूकस करेंगे, तब तक हमारी चाशनी बन के रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं कर देती हूँ गैस चालू, और एक गिलास में मैं इसमें डाल देती हूँ पानी, है ना। हमें चाशनी बनानी है, एक तार वाली चाशनी बना के हमें तैयार करनी है, तो मैंने एक गिलास पानी का यूज़ किया है इसके अंदर। और अब कर लेते हैं हम नारियल को कद्दूकस कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नारियल को कद्दूकस कर लेते हैं, और मैंने ग्रेटर से कर लिया है, सारे नारियल को कद्दूकस कर लिया है, और मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही कद्दूकस किया है। फ्रेंड्स, आप चाहो तो मिक्सी ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, पर मैंने नहीं किया है। और अभी इधर में मैं ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा 1 चम्मच घी डालकर फ्राई कर लूँगी, क्योंकि फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो मैंने 1 चम्मच घी डाल के फ्राई कर लिया है, और अब इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी फ्रेंड्स। फिर इसके बाद हमें इनको थोड़ा पतला पतला कट करना है। इधर में हमारी चाशनी भी बनके रेडी हो गई है फ्रेंड्स, तो अब चाशनी बन गई है, तो अब इसमें हम डाल देते हैं नारियल का बुरादा जो हमने ग्रेट किया है, वो डाल देंगे, और डाल देंगे हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे, और सबको एक साथ मिला लेंगे, यानी कि चाशनी में पका लेंगे फ्रेंड्स। और अब डाल देंगे इलायची पाउडर, इलायची पाउडर का काफ़ी अच्छा फ्लेवर भी आता है और खुशबू अच्छी आती है। इधर में नारियल का बुरादा पकता है, तब तक हम थाली को घी लगाकर रेडी कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि घी लगाने से यानी कि हमारा जो नारियल का मिक्सर बनाया है तो वो चिपकेगा नहीं नीचे, और इस तरह से हम फैला देंगे, और 2 घंटे बाद हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारे 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, 7 बज गए हैं फ्रेंड्स। 5 बजे मैंने नारियल पाक बना के रेडी कर लिया था, और अब नारियल पाक हमारा ठंडा हो चुका है, और दिखाती हूँ आप लोगों को। उससे पहले हम लोग भी रेडी हो गए हैं मार्केट जाने के लिए, क्योंकि हमारे कान्हा का बर्थडे है, तो उसकी तैयारियां बड़ी जोर शोर से कर रहे हैं हम, और मार्केट जाके कान्हा के लिए शॉपिंग करनी है। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिए हमारे साथ में, और चलते हैं मार्केट कान्हा के लिए ड्रेस खरीदने। और हमारा नारियल पाक भी फ्रेंड्स देखे बन के रेडी हो गया है, और मैंने इसको कट भी कर लिया है, नारियल पाक को कट कर लिया है फ्रेंड्स, और अभी अच्छे से ठंडा हो गया है, और अब इसको कल ही यूज करेंगे, अभी झूठा बिल्कुल नहीं करेंगे हम, और इसको कल ही हम कान्हा को भोग लगाएंगे, तभी हम खाएंगे सब लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं मार्केट। अनुषा और मैं जा रहे हैं मार्केट, खाना हमारा बन चुका है, क्योंकि आयुष के पापा की थी नाइट ड्यूटी, तो मैंने खाना भी बना लिया है, अब आराम से मार्केट कान्हा जी के शॉपिंग करके आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स घर को कर देते हैं लॉक, आयुष भी नीचे खेलने के लिए गया हुआ है, तो घर पे कोई नहीं है फिलहाल, लॉक करके जाऊंगी मैं घर को। ओके फ्रेंड्स,
घर को लॉक कर दिया और अब चलते हैं फ्रेंड्स। अनुषा मेरे पीछे पीछे आ रही है, अंधेरा काफी हो गया। तो फ्रेंड्स आ गए हैं मार्केट में और देखते हैं झूले 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 है ना, ये भी ये वाला 250 बोला था। अच्छा 250 है ना, इतने प्यारे प्यारे झूले हैं ना। और यहाँ पे कान्हा जी की ड्रेसें हैं ना, तो ड्रेस भी देख लेते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ का मार्केट, दिखाते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी भीड़ है मार्केट में देखिए, तो वहाँ ड्रेस पसंद भी नहीं आई ना, अभी यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए ड्रेस, कितनी प्यारी प्यारी ड्रेस है ना कान्हा की, ये भी अच्छी लग रही है ना। काफ़ी भीड़ है फ्रेंड्स देखिए मार्केट में। तो पहले ले लेते हैं हम कान्हा का सामान, फिर दिखाते हैं आप लोगों को, है ना फ्रेंड्स। ये बड़ी है, काफी सुंदर सुंदर ड्रेस है, देखिए पगड़ी है ना कान्हा की, हमने ले लिया है ये सामान और दिखाएंगे आपको घर जाके। मेरे पास ना एक है ना, तो फ्रेंड्स पहले ले लेते हैं हम सामान, फिर उसके बाद दिखाएंगे। कौन सा साइज है? कर ली है कान्हा जी की शॉपिंग और अब घर जाके मिलते हैं और घर जाके दिखाएंगे आप लोगों को। अंधेरा काफ़ी हो गया है, आयुष घर पे अकेला है, घर पे भी नहीं है फ्रेंड्स, बाहर ही है, घर जाके मिलते हैं आप लोगों। फाइनली फ्रेंड्स आ गए हैं घर पे और काफ़ी गर्मी लग रही है फ्रेंड्स, और मार्केट में इतनी भीड़ थी कि पूछिए ही मत, है ना। और ये मार्केट हमारे पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो हमको एक घंटा हो गया, एक घंटे में हमने हमारे लड्डू गोपाल के लिए जी भर के शॉपिंग की है फ्रेंड्स। तो दिखाती हूँ आप लोगों को हमने क्या क्या खरीदा है। और फ्रेंड्स मैं खाने के लिए भी बाहर से ही ले आई हूँ चाउमीन और मोमोज, तो मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, वैसे मैं खाना बना के भी गई थी फ्रेंड्स, जिसको खाना होगा खा लेंगे। बाकी दिखाती हूँ मैं लड्डू गोपाल जी के लिए जो भी सामान लेके आई हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। कॉमेंट करके ज़रूर बताना मेरे कान्हा जी का सामान आप लोगों को कैसा लगा है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ मेरे कान्हा जी का झूला, झूला लिया है हमने कान्हा जी के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स हमने झूला लिया है, कैसा लगा मेरे कान्हा का झूला ये देखिए फ्रेंड्स। और ये कल आपको दिखाएंगे हम अच्छे से, कान्हा जी को पहनाएंगे कपड़े वगैरह। और मैंने कान्हा जी के लिए येल्लो कलर की ड्रेस ली है देखिए फ्रेंड्स, दो दो मैंने कान्हा के लिए ड्रेस लिए। बाकी काफ़ी सारे कपड़े भी हैं कान्हा के पास, ये गले की माला है, हार है गले का, और कान्हा जी के बर्तन हैं फ्रेंड्स, ये मैं सब नया लेके आई हूँ कान्हा जी के लिए। और ये कान्हा जी की चूड़ियाँ हैं ग्रीन कलर की और लाल कलर की। और ये हमारे खाने पीने का सामान है, चाउमीन है, मोमोज है। ओके फ्रेंड्स, तो कमेंट करके बताना मेरे कान्हा का सामान आप लोगों को कैसा लगा है, मुझे बहुत सुंदर सुंदर। और इतना भीड़ है फ्रेंड्स, हमें एक सवा घंटा लग गया आज मार्केट में ही। कान्हा की ड्रेस आप लोगों को कैसी लगी, ड्रेस के साथ साथ झूला भी कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताना। और कान्हा जी की शॉपिंग के साथ साथ हमने मोमोज चाउमीन ये भी खरीद के लाए हैं, क्योंकि बाजार जाते हैं तो ये सब देख के मन करता है फ्रेंड्स। और चाउमीन तो सभी की फेवरेट है, इसलिए मेरी भी फेवरेट है, तो मन कर गया तो मैं घर से ही, घर के लिए ही पैक करवा के ले आई, क्योंकि आयुष घर पे ही था ना इसी वजह से। और ये दोनों लग गए हैं खाने के लिए, है ना। और अभी मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी, मैं उसके बाद में ही खाऊंगी फ्रेंड्स। तो कर देते हैं ब्लॉग का एंड, आशा करते हैं अच्छा लगा होगा मेरा आज का ब्लॉग। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताना कि मेरे कान्हा जी की शॉपिंग आप लोगों को कैसी लगी है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।